नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास पांडे और आप सभी को इम्पीरियल आर्ट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम एक बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे। पर्सपेक्टिव है क्या? पर्सपेक्टिव कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हों वो आपको हमेशा 2D में ही दिखेगा या फिर फ्लैट में दिखेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में बदलना हो तो आपको पर्सपेक्टिव में बदलना पड़ेगा। जब तक आप पर्सपेक्टिव में नहीं बदलोगे तो वो 3D में नहीं दिखेगा। टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक मैं इमेज दिखा रहा हूँ आपको, उसको देखिए। ये जो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप गौर करेंगे, इस इमेज में जो रोड दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो आप एक समय के बाद ऐसा फील करेंगे कि रोड जो है एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का नाम देते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये होता है कि आप देख रहे हैं सामने की बिल्डिंग बड़ी है और जैसे जैसे लेफ्ट और राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्डिंग सरफेस में मिल जाती है, तो इसे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का नाम देते हैं। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करेंगे। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है, यानी कि 3 साइड इमेज या ड्राइंग का हम देख सकते हैं। टॉप व्यू, लेफ्ट राइट, इसमें हम ऊपर के पोर्शन को भी देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट को भी देख सकते हैं, इसे हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का नाम देते हैं। अब दोस्तों, यूज़ ऑफ पर्सपेक्टिव के बारे में समझेंगे। पर्सपेक्टिव का यूज़ ड्राइंग में, पेंटिंग में, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम जनरली करते हैं। अब मैं अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ करते हैं उसे मैं बताने जा रहा हूँ। टूल बार में जाएंगे, रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, ब्लू कलर से कलर फिल करेंगे, आउटलाइन रिमूव करेंगे। मेन्यू बार में जाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, ऐड पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है नीचे, इसको क्लिक करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं कि हमें 4 हैंडल मिल चुका है, 1, 2, 3, 4। अब कंट्रोल को क्लिक करते हुए माउस के लेफ्ट की को प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं एक हैंडल और हमें मिल गया है। इस हैंडल से हम जैसे जैसे उस हैंडल को पास लाएंगे वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर दोबारा अपनी जगह पे ही चला जाएगा। तो अपने अनुसार आप सेट कर लें। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक वॉल हो 3D में, और ये हमने एक शेप रेडी कर लिया है, इसको डिलीट कर देंगे। अब हम दोस्तों टेक्स्ट में समझेंगे, टेक्स्ट कैसे प्लेस किया जाता है कहीं पे भी। तो ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसमें हम इम्पीरियल आर्ट लिखते हैं नीचे वाले बॉर्डर में। सो इम्पीरियल आर्ट
हमने लिख लिया है, इसको वहाँ पे प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एड परस्पेक्टिव करेंगे, फोर कॉर्नर को कार्डबोर्ड के फोर कॉर्नर में मिलाने हैं, टेक्स्ट के फोर कॉर्नर को। देखिए दोस्तों, जूम कर कर के करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से उसको एग्जैक्ट पॉइंट पे मिला सकें। देखिए परफेक्ट हो चुका है, हमने इम्पीरियल आर्ट को उस बॉक्स में अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब यह देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ऑलरेडी पहले से प्रिंट है। तो दोस्तों ये टेक्स्ट का था, इसको डिलीट कर देंगे। अब हम समझेंगे आर्ट वर्क। आर्ट वर्क के लिए टूल बार में जाएंगे, स्टार को लेंगे हम, पॉइंट्स और साइड इसके हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा। ट्वेंटी ले लेंगे, कलर रेड फिल कर देंगे। आउटलाइन रिमूव कर देंगे, मेन्यू बार में ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एड पर्सपेक्टिव को क्लिक करेंगे। इस आर्ट वर्क को हमें सेट करना है दोस्तों, ताकि यह ऊपर से देखने में इसका टॉप व्यू दिखे, 3D इफेक्ट इसमें प्रॉपर दिखे। अच्छे से सेट करेंगे, अपने अनुसार अच्छे से सेट कर लें। ये देखिए दोस्तों, फिफ्थ हैंडल भी मिल चुका है और उस हिसाब से उसको अच्छे तरीके से सेट कर लें, ताकि यह देखने में इसका टॉप व्यू दिखे। देखिए दोस्तों, ऊपर से देखने में यह ऐसा प्रतीत होगा। सो हमने इसका टॉप व्यू डिज़ाइन कर लिया है। ये हमारा आर्ट वर्क में हमने पर्सपेक्टिव इफेक्ट दिया है, इसको डिलीट कर लेंगे। अब दोस्तों हम रास्टर इमेज को हम इसमें प्लेस करेंगे। यह एक बिलबोर्ड है, बिलबोर्ड में ये कार का एक पोस्टर को हम वहाँ पे बिलबोर्ड में लगाना चाहते हैं, और तो इसमें एड पर्सपेक्टिव करेंगे और ये फोर कॉर्नर को हमें मिलाना है। अच्छे से जूम कर कर के पॉइंट को मिलाएंगे, ताकि यह परफेक्ट पर्सपेक्टिव का इफेक्ट हम दे सकें। अच्छे से करें, ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट में मिल चुका है। अच्छे से देख लें, ये देखिए थोड़ा सा और इसको हम अच्छे से प्लेस करेंगे, ये हो चुका है परफेक्ट। दोस्तों अच्छे से हो चुका है ये। अब यह देखने में
ऐसा प्रतीत होगा दोस्तों कि यह ऑलरेडी बिलबोर्ड में पहले से प्रिंट किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट में जाएंगे दोस्तों और सेलेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट में जाएंगे और क्लियर पर्सपेक्टिव अगर करते हैं हम दोस्तों, तो यह फिर से अपने पोजीशन पे जैसा था वैसा हो जाएगा। कभी ऐसा कंडीशन आता है जब हमें फिर से बैक जाना पड़े, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और अब देखिए, ये फिर से हमने इसको प्लेस कर दिया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह के प्रश्न के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। अगले क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।